नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को सीएनसी मशीन के सभी पार्ट्स के नाम और उसके काम के बारे में बताएंगे। जैसे देखिए, पहले हम ये बता रहे हैं आपको, ये देखिए चक बोलते हैं जो घूम रहा है, इसको चक बोलते हैं, चक है ये। ये है सॉफ्ट जो, इसमें हार्ड जो भी है लगता है, सॉफ्ट जो लगा हुआ है, ये जिसमें लगता है इसको बेस बोलते हैं। इसके अंदर में देखिए जो दिख रहा है ये टी नट है। उसके बाद देखिए ये टैरेट है, टैरेट जिसमें टूल बांधा जाता है। देखिए यहाँ टूल बांधा हुआ है, एक इधर है, एक इधर है, और यहाँ भी बांध सकते हैं। यहाँ ये आठ टूल बांधने का है, ये आठ स्लॉट वाला है। इसका अंदर में यहाँ पर रहता है टैरेट मोटर जो इसको इंडक्स करता है। जब भी आप घुमाएंगे इसको तो ये टैरेट मोटर इसको इंडक्स करता है। देखिए हम आपको घुमा के दिखा देते हैं, देखिए टैरेट इंडेक्स हो रहा है, इसको बोलते हैं टैरेट इंडेक्स हो रहा है। इसके अंदर में मोटर लगा हुआ रहता है। और उसके बाद ये देखिए, इसको एक्स एक्सिस बोलता है, जो ऊपर से नीचे आएगा इसको एक्स एक्सिस बोलता है। इसको देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोलता है, ऊपर नीचे होना एक्स एक्सिस। और ये अगर बाहर तरफ जाएगा या तो अंदर आएगा, आगे पीछे जिसको बोलते हैं, देखिए आपको दिखता होगा, ये देखिए इधर टूल इधर आ रहा है मेरा, जेड में माइनस हो रहा है, ठीक है। बाहर तरफ जाना प्लस होता है और अंदर आना माइनस होता है, उसी तरह एक्स में होता है। एक्स अगर ऊपर की तरफ जाएगा आपका तो ये आपका प्लस हो रहा है, और नीचे आएगा तो ये माइनस हो रहा है। देखिए नीचे आ रहा है, देखिए दिख रहा है आपको माइनस हो रहा है, एक्स में माइनस हो रहा है, ठीक है। ये इसका टेल स्ट्रोक बताया दिया आपको, ये टेल स्ट्रोक है। इसका अंदर यहाँ पर रिवाइलिंग सेंटर लगता है, जो लंबा जो बनाते हैं ना कोई, इसमें सपोर्ट देने के लिए लगाया जाता है यहाँ पर। ये इसका बेड हो गया, इसका बेड इसका अंदर में ढक्कन से बंद है, और इसका जेड का भी इसका ढक्कन दिया हुआ नहीं दिख रहा, हम पीछे से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर जिससे स्पिंडल घूमता है। देखिए स्पिंडल घूमता है, इसे सर्वो मोटर से घुमाता है, इसी स्पिंडल में ही चक लगा हुआ रहता है, जो आगे आपको चक दिखाए थे, ठीक है। और ये देखिए, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस मोटर, इसी से आपको जेड आगे पीछे होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया है हाइड्रोलिक मोटर, जिससे हाइड्रोलिक प्रेशर बनाता है। ये उसका हाइड्रोलिक टैंक है, इसमें इधर से हाइड्रोलिक भरते हैं, ठीक है। और ये देखिए आपका यहाँ से ये जब डिस्प्ले क्लेम करते तो ये वाला काम करता है स्विच, इधर उधर ये लाइट जलेगा आपका। ये देखिए यहाँ पर इसका गेज लगा हुआ रहता है, हाइड्रोलिक प्रेशर गेज। देखिए ये आपका मशीन का हो गया, ठीक है। और ये आपका टेल स्ट्रोक का हो गया, ये चक का हो गया। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अनुसार, देखिए कम हो रहा है, हो गया। ये हम लोग 20 से 25 के बीच में रखते हैं, इसको बढ़ा दीजिए, हो गया। उसके बाद आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए इसको स्टेबलाइजर बोलते हैं, मशीन का स्टेबलाइजर जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है, ये स्टेबलाइजर है। यहाँ देखिए इसका स्विच लगा हुआ है, ऑन ऑफ स्विच, इससे मशीन को ऑन ऑफ करते हैं। आइए इसका एसी है, मशीन का एसी लगा हुआ है। यहाँ देखिए इसका फिल्टर है, यहाँ हवा निकलता गर्म वाला। उसके बाद ये देखिए कंट्रोल पैनल है, इसका अंदर पूरा कंट्रोलिंग इसी में रहता है, ये कंट्रोल पैनल है, इसको यह पूरा चीज़ कंट्रोल होता है। उसके बाद आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक्स एक्सिस का मोटर है, जिससे एक्स मेरा ऊपर नीचे होता है, इसी से होता है। देखिए बॉल स्क्रू वहाँ लगा हुआ आपको दिखाए थे, जेड का ये बॉल स्क्रू है, एक्स का इसका अंदर में है जो दिख नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये कूलेंट मोटर है, जिससे कूलेंट हमारा सप्लाई होता है, मशीन में जाता है। ये हमारा हाइड्रोलिक यूनिट है, ठीक है, ये हाइड्रोलिक यूनिट जिससे हाइड्रोलिक तेल सभी जगह जाता है, जहाँ पर चलता है ब्रेक जम, जहाँ पर घर्षण होता है, घर्षण को कम करने के लिए हाइड्रोलिक
सेल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद ये देखिए, ये मॉनिटर है, LCD मॉनिटर, ये आपका की बोर्ड हो गया। यहाँ से अल्फाबेटिक है, न्यूमेरिकल 1 2 3 4 यहाँ लिखा हुआ है, ABCD लिखा हुआ है, ये सब जो देख रहे हैं सब सब देखिए, इसको फंक्शन की बोलते हैं। इसका एक वीडियो अलग से हम बना देंगे पूरा फंक्शन के बारे में, कौन से बटन से क्या फंक्शन होता है, कैसे होता है, पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम अगला वीडियो बनाएंगे तो आपको मिलते रहेगा। ये देखिए, इसको बोलते हैं ऑपरेटर पैनल, यहाँ से यहाँ तक का ऑपरेटर पैनल है ये। इसमें ऑपरेटर अपना अनुसार से काम करते हैं। ये देखिए इमरजेंसी लिखा हुआ, इमरजेंसी, ये इमरजेंसी बटन है, कुछ भी आवाज़ उवाज़ कर रहेगा तो हमेशा इसको फटाक से दबा देना, पूरा मशीन रुक जाएगा। ये देखिए मशीन रिसेट, जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं तो मशीन को रिसेट करना पड़ता है। ये देखिए साइकिल स्टॉप, ये साइकिल स्टार्ट, साइकिल स्टार्ट से क्या होता है, मेरा मशीन चलने लगता है। अब बीच में कहीं रोकना होगा तो इसको दबा देंगे तो रुक जाएगा। ये हमारा सिलेक्टर हो गया, मोड सिलेक्टर है, ये आपका फीड ओवर हेड देखिए लिखा हुआ है, ये MPG स्टेप फीड का कितना रखना है वो है, ओवर हेड का परसेंटेज में है। ये आपका स्पिंडल का है, देखिए मशीन ऑन का है, ऑफ का है, ये ओनम एडिट की है, ये इधर ऑन हो गया, इधर ऑफ हो गया, और इतना इधर की है, सब के बारे में आपको बताएंगे। ऑप्शनल स्टॉप क्या होता है, ब्लॉक डिलीट क्या होता है, ड्राई रन क्या होता है, इसका एक वीडियो अलग से बना देंगे पूरा। एक बनाएंगे ऑपरेटर पैनल का, एक बनाएंगे डिस्प्ले का, इसका LCD डिस्प्ले जो है मॉनिटर का, इसमें पूरा जो कीबोर्ड है इसका फंक्शन के बारे में। एक्चुअली इसमें 6 मेन होता है, 6-7 है, सबके बारे में बता देंगे आपको। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस।